हेलो गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी है अगस्त के फूल का पकौड़ा। तो देखिए, इसके सारे को मैं अच्छे से धो दी और इसके सारे जो बीच में जो डंठल होती है फ्रेंड, इसे ही निकालनी होती है। सारे मैं निकाल दी हूँ और सारे को मैं बहुत अच्छे से धो दी और अब मैं इसकी एक बैटर बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 चम्मच बेसन ली हूँ और 2 चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लावर डालने से पकौड़ा जो होता है वो आपका क्रिस्पी बनता है। और नेक्स्ट मैं इसमें नमक डाली हूँ 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर भी मैं डाल दी हूँ, थोड़ी सी मैं अजवाइन और मंगरेल भी डाल दी हूँ, थोड़ी सी मैं इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल दी हूँ और धीरे धीरे पानी डाल के मैं एक बैटर बना देती हूँ। और मैं धीरे धीरे पानी डाल के एक बैटर बना दे रही हूँ। ये देखिए, अगस्त का फूल बहुत हेल्दी होता है, तो मैं सोची कि चलो मैं भी कभी इसकी वीडियो नहीं बनाई हूँ। मैं पकौड़ा बनाई हूँ इसकी, बट वीडियो नहीं बनाई थी। ये हम लोग छठ में भी बना लेते हैं कभी कभी, जितिया में भी मैं ज़रूर बनाती हूँ अगस्त के फूल का पकौड़ा। तो ये देखिए, मैं अच्छे से इसे गर्म हो गया है अच्छे से, और अब मैं इसे देखिए इसमें अच्छे से डाले धीरे धीरे। ये जितना सुंदर लग रहा है देखने में ही है, सारे को आप अच्छे से, उसका जो डंठल होता है कोई खास बात इसमें है नहीं। ये देखिए, वाओ, बैटर अच्छे से बना तो इसका पकौड़ा भी बहुत अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं, एक भी मेरा काला नहीं है तेल में, इतना अच्छा बन रहा है। कितना बढ़िया, कितना, आप जब कॉर्नफ्लोर पकौड़ा में डालते हैं तो खुद बहुत क्रिस्पी। अभी मैं चावल का आटा भी डालती हूँ, बट मेरे पास अभी चावल का आटा था नहीं। कॉर्नफ्लावर मैं रखती हूँ, चाइनीज़ में डालती हूँ, बहुत कुछ में डालती हूँ कॉर्नफ्लावर। तो मुझे याद पड़ा, चलो कॉर्नफ्लावर डाल के ही इसे बना दिया जाए। तो देखिए कितना मस्त बना, आप देख सकते हैं आपके सामने मैं बना रही हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है। अरे पकौड़े हमारे बन चुके, कितनी क्रिस्पी बनी है आप देख सकते हैं, आपके आँख के सामने मैं बनाई हूँ, कितना मस्त बना है। और मैं सारे को निकाल देती हूँ। तो एक बैच हमारा बन चुका है, दूसरा बैच मैं डाल देती हूँ। देखिए तेल भी हमारा साफ साफ है एकदम। तो आप बैटर अच्छा बनाए तो आपका पकौड़ा भी ज़रूर अच्छा बनेगा। तो गाइस ये देखिए, सारा मेरा पकौड़ा बन गया है अगस्त के फूल का। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। लुक एट दिस गाइस, ये देखिए हमारा पकौड़ा बन के तैयार हुआ। लुक एट दिस गाइज, हमारा पकौड़ा बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए इसकी आवाज़ सुनिए आप, बहुत मस्त बनी है, बहुत हेल्दी ये पकौड़ा होता है। कभी कभी मैं बनाती हूँ इसे, बट मैं वीडियो कभी नहीं बनाई थी। तो अगर आपको हमारी ये अगस्त के फूल के पकौड़ा का पकौड़ा अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। दुआओं में याद कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। सबक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।